सब सामग्री दरकार मुझे दुई कप बेसन नहीं बेसन को भल भाव छाणी कर यूज करुच्ची गोटे कप गुंड चीनी रखी आपण बेसन लड्डू सब बेले गुंड चीनी यूज करेंगे हाफ कप घी नहीं घी को मुझे मेल्ट कर नहीं कारण यह मेल्टेड घी को यूज कले आपण घीर सठिक परिमाणटा जापर जदि मुझे चामच रे मेजर करी तो ये पखापाखि सात चामच घी हे दुई चामच मु सुजी नहीं बेसन लड्डू रे सुजी को यूज कले बेसन लड्डू बहुत टेस्टी हुए एवं खास्ता हुए गोटे कप पखापाखि पा नहीं काजू कि आलमंड रखी एवं अल्प टिके गुजराती गुंड नहीं गुजराती गुंड बेसन लड्डू को बहुत बढ़िया स्मेल दिए एबे आसंतु आरंभ करिबा आजर रेसीपी तुम्हें गैस ऑन करी आ उपरे पैन बसेबा पैन को गरम हवा पई छाड़ी देबा पैन गरम हो गलानी एबे हमें घी यूज करिबा मुझे सात चामच घी नहीं थी से पांच चामच घी देबी सबुतक एक बेले देबिनी आपण जेतेबेले बेसन लड्डू पई बेसन भाजिबे सबुबेले गैस रो फ्लेम को लो रे ही रखिबे एबे बेसन दे देबा एवं याकु भलो से गोळे नबा बेसन लड्डू को आपण सबुबेले घी रे ही बनेबे जदि आपण को घी पसंद नुह तो आपण एथिरे रिफाइन तेल भी यूज करि परिबे हेले घी रे ही यार टेस्टटा भलो आसे मुझे नॉन स्टिक पैन यूज करुच्ची जदि आपण नॉन स्टिक पैन ना आपन जदि नॉर्मल कड़ाई रे बेसन लड्डू बनाऊंट तो बेसन को भल भाव ये सब बेले चलेबे ना बेसन तलु लगिजी सात चामच घी रू पांच चामच घी यूज करी एवं मुझे आउ गोटे चामच देदेवी ताने दुई कप बेसन में आपणकर छ चामच पखापाखी घी यूज हो एबे बेसन को मु पाखापाखि पांच रु दस मिनिट लो फ्लेम रे भाजी नेबी पांच रु सात मिनिट हो गलानी जेतेबेले आमे प्रथम बेसन देथिलु सेतेबेले टिके येलो कलर थिला एबे आस्ते आस्ते से गोल्डन कलर हो जाउची एबे मु एथिरे सुजी दे देबी दुई कप बेसन रे मु दुई चामच सुजी यूज करची किछि किछि लोक सुजी यूज करती डायरेक्टली बेसन दे कि लड्डू बनाती हेले सुजी देले यार टेक्सचर टिके भल आसे एवं खाया पाई भी बहुत टेस्टी हुए मुझे कंचा सुजी यूज करी ए पूरा पूरी प्रोसेस आपण लो फ्लेम रे ही करिबे देखंतु केमिति बेसन रु घी आस्ते आस्ते अलग हबार लागिछि एबे मु अल्प किछि पानी एथिरे छिंची देबी कहीं भाया पा छिंचीदे लड्डू टिके दरदरा हुए एवं यार टेक्सचर भल आसे बेसन एवं सुजी भल से भाजी हो गलानी बढ़िया स्मेल आसे गैस को बंद करदेवि या गोटे थाली को काढ़ी एबे ये पूरा पूरी गरम अच्छी आपण या खेल ने एबे मिश्रण को पूरा पूरी ठंडा करि नबा पूरा पूरी ठंडा हेला परे एमे एथिरे चीनी एवं गुजराती गुंड को ऐड करिबा बेसन सुजी एवं घी रो मिश्रण पूरा पूरी ठंडा हे गलानी एबे मु एथिरे चीनी दे देबी मु एटे गोटे कप चीनी नै छी आपण आपण को स्वाद अनुसार चीनी कम बेसी करि परिबे गुजराती गुंड दे देबा एवं ये सब कुछ मुझे भल से गोल नेबी आपण ए बेसन लड्डू को पर्वपर्वाणी एवं बार व्रत खाईपर आपण सबुबले मिश्रण को पूरा पूरी थंडा करी ही चीनी एड करेंगे गरम थिबा अवस्था रे जदि आपण एथिरे चीनी दे देबे तो चीनी सब मेल्ट हो लड्डू बिल्कुल भी बनबनी से बर्फी भाया हो देखु ये पूरा पूरी खास्ता देखा जदि आपणकर भाग माप में कौन से असुविधा होपण घी जदि अधिका यूज कर दिंती तो बिल्कुल व्यस्त हबार ना आप दुई रु तीन चामच बेसन को लो फ्लेम पांच दस मिनिट भाजी ने एड करने भल से गोल सारे एवं आम लड्डू बनई ना
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲଡ଼ୁ ବଡ଼ ସାନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆକୁ ଜୋରସେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ହାଲକା ହାତରେ ଆପଣ ଗୋଲ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏଇଭଳି ମୁଁ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବନେଇ ନେବି। ବେସନ ଲଡ଼ୁକୁ ବନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବେସନ ଲଡ଼ୁ। ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଲଡ଼ୁକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ହେଲା ମୋ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।